गाइस दिस इज प्रिंस एव वॉचिंग यूट्यूब चैनल प्रिंस सलमान। दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपने बंधन बैंक के जो एटीएम है उसके पिन को जनरेट कैसे करेंगे, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल के मदद से। नॉर्मली आपको बैंक में जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल के जरिए ही सिर्फ दो मिनट में, दोस्तों सिर्फ दो मिनट में आप अपने बंधन बैंक के जो एटीएम है उसके पिन को जनरेट कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे उसको जानने के लिए बने रहे वीडियो में। सब्सक्राइब करें प्रिंस सलमान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना करें। तो दोस्तों आपने जिस नंबर पे रजिस्टर किया है उसी नंबर से कॉल करो 1800258881 पे और फिर आपका जो कॉल है वो बंधन बैंक में लग जाएगा। और आप अभी जो आपको जो करना है, आपको पहले वन प्रेस कर देना है, कुछ नहीं सुनना है, ऑन प्रेस कर दो तो कि उसका जो मेनू है वो हट जाएगा। और फिर आपको नॉर्मल कस्टमर मेनू के लिए वन फिर से प्रेस करना होगा। अभी आप क्या करना चाहते हो, अपने बैंक अकाउंट नंबर देना चाहते हो या क्रेडिट मतलब डेबिट कार्ड नंबर देना चाहते हो, डेबिट कार्ड नंबर देना चाहते हो तो फिर से आपको ऑन प्रेस करना होगा या फिर आप बैंक के नंबर देने के दो प्रेस कर सकते हो। ऑन प्रेस कर दो सबसे अच्छा है। एटीएम के पिन जब जनरेट करोगे उसके लिए अब आपका जो पिन मतलब डेबिट कार्ड का 16 डिजिट जो नंबर है वो आपको देना पड़ेगा। उसको देने के बाद आप हैच प्रेस कर दो क्योंकि वो लोग थोड़ा टाइम लेगा, तो उस अगर हैच प्रेस कर दे तो मतलब आप सियोर होकर आपने डाल दिया। अब उन्होंने आपसे वेरीफाई करेगा, आपको उन लोग बताएगा कि आपने जो एंटर किया वो क्या क्या है। अब आपको ऑन प्रेस करना होगा कंसर्ट मतलब कंफर्म करने के लिए। अभी जनरेट करने के लिए आपको फिर से वन प्रेस करना होगा और आपका जो है नॉर्मली जिस डेट पे मतलब ऑन प्रेस कर दो, अभी आपके जो डेबिट कार्ड है वो कब ख़त्म हो रहा है उसको आपको नॉर्मली एंटर करना होगा। तो आपके डेबिट कार्ड मान लो कि 2014 में फर्स्ट जनवरी में ख़त्म होता है तो 0124 दे दो। इसके बाद आपको जो करना होगा अपने डेट ऑफ बर्थ देना होगा DDYY फॉर्मेट में। तो ये देने के बाद अभी आपको अपने चॉइस के एम पिन देना होगा, जो जिस पिन आप रखना चाहते हो अपने नॉर्मली कोड पे तो वो आप दे दो। और फिर से उस कोड को रीएंटर करो जो आप देना चाहते हो एटीएम के पिन, उसको रीएंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो पिन है वो वेरीफाई मतलब जनरेट हो जाएगा और वो बंधन बैंक की तरफ से मतलब कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा और आपके पास ऑटोमेटिकली एक मैसेज आ जाएगा कि आपके जो मतलब एम पिन है मतलब जनरेट किया है आपने जो पिन वो सक्सेसफुल हो गया था। यहाँ पर देखिए उन्होंने बताया कि एटीएम पिन नंबर हैज बीन जनरेट सक्सेसफुली, तो ऐसे आप अपने बंधन बैंक के एटीएम पिन को जनरेट कर सकते हैं सिर्फ मिनट में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ नया जानकारी मिला है, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी टच कर देना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो मैं मिलता है नए वीडियो के साथ, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल प्रिंस सलमान।